ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय षष्ठ खंड वसुओं के जीवन आश्रय भूत प्रथम अमृत की उपासना। इनमें जो पहला अमृत है उससे वसुगण अग्नि प्रधान होकर जीवन धारण करते हैं। देवगण ना तो खाते हैं और ना पीते ही हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वही में जो रोहित रूप बाला पहला अमृत है उसके उपजीवी प्रातः सवन अधिकारी वसुगण हैं। वे अग्नि मुख से प्रधान भूत अग्नि से अर्थात अग्नि प्रधान होकर इसके उपजीवी होते हैं। अन्नाय रूप रस उत्पन्न हुआ इस वाक्य से सिद्ध होता है कि वे उससे एक ही ग्रास लेकर खाते हैं। इसी का देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं इस वाक्य द्वारा प्रतिषेध किया जाता है। तो फिर वे किस प्रकार उसके उपजीवी होते हैं ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है। वे सुपर्युक्त अमृत अर्थात रोहित रूप को देखकर उपलब्ध कर यानी समस्त इंद्रियों से इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि दृश्य धातु समस्त इंद्रियों द्वारा उपलब्धि ज्ञान होने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला है। किंतु यहाँ तो कहा गया है कि रोहित रूप को देखकर अर्थात संपूर्ण इंद्रियों से उसका अनुभव कर, फिर वो अन्य इंद्रियों का विषय कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रोत्र आदि अन्य इंद्रियों के विषय तो यश आदि ही है। यश श्रोत्र ग्राह्य है, चक्षु इंद्रिय का विषय तेजो रूप है, विषय ग्रहण रूप कार्य से अन्वित होने वाले करणों के सामर्थ्य का नाम इंद्रिय है, वीर का अर्थ बल, देहगत उत्साह यानी प्राणवत्ता, तथा अन्नाद्य जिसके आश्रित होकर प्राण आदि प्रतिदिन जीवित रहते हैं और जो शरीर की स्थिति करने वाला है वह है। इस प्रकार ये सब कुछ रस है जिसे देखकर सब देवता तृप्त होते हैं, देवगण देखकर तृप्त होते हैं। इसका आशय ये है कि इन सब का अपनी इंद्रियों से अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं, तथा आदित्य के आश्रित होने से वे दुर्गंध आदि देह और इंद्रियों के दोषों से रहित भी हैं। तो क्या वे उद्यमहीन रहकर ही इस अमृत के उपजीवी होते हैं? नहीं तो फिर किस प्रकार होते हैं? वे देवगण इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसी से उत्साहित होते हैं। इस रूप को ही लक्षित कर अर्थात अभी हमारे भोग का अवसर नहीं है ऐसा जानकर वे उदासीन हो जाते हैं, और जब उस अमृत के भोग का अवसर उपस्थित होता है तब इस अमृत से अर्थात इस अमृत के भोग के लिए इस रूप से ही उत्साह युक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो अनुत्साही अनुष्ठानहीन और आलसी है उन्हें लोक में भोगों की प्राप्ति होती देखी नहीं जाती। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है वह वसुओं में से ही कोई एक होकर अग्नि की ही प्रधानता से इसे देखकर तृप्त हो जाता है। वे इस रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है। जो कोई पुरुष इस यथोक्त अमृत को इस प्रकार जानता है अर्थात ऋग्वेद विहित कर्म रूप पुष्प से ऋक्षति रूप मधुकरों के अभिताप द्वारा इसका संचरण होना, उसका आदित्य के आश्रित होना, रोहित रूप होना, अमृत का पूर्व दिग्वर्तनी रश्मि नाड़ियों में स्थित होना, वसु नामक देवों का भोग्य होना, उसे जानने वालों का वसुगण के साथ एकता को प्राप्त होकर अग्नि प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करना, उसके दर्शन मात्र से उनका उसे जानने वालों का तृप्त होना, अपने भोग के समय उनका उससे उत्साहित होना और भोग अवसर की समाप्ति पर उदासीन हो जाना जानता है। वह वसुओं के समान इन सब बातों का उसी प्रकार अनुभव करता है। विद्वान कितने समय तक उस अमृत के आश्रित होकर जीवन धारण करता है यह बतलाया जाता है। जब तक आदित्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है तब तक
वह विद्वान वसुओं के आधिपत्य स्वराज्य को प्राप्त होता है जब तक आदित्य पूर्व की ओर पूर्व दिशा में उदित होता और पश्चिम की ओर अस्त होता है, तब तक वसुओं का वो काल है। वह विद्वान उतने ही समय तक वसुओं के आधिपत्य और स्वराज्य को पर्यता सब ओर से प्राप्त होता है, ऐसा इसका भावार्थ है। जिस प्रकार चंद्रमंडल में स्थित केवल कर्म परायण पुरुष देवताओं का भोग्य होकर परतंत्र रहता है, उस प्रकार ये नहीं रहता तो फिर किस प्रकार रहता है? इस पर कहते हैं, ये तो आधिपत्य और स्वराज्य स्वराट भाव को प्राप्त हो जाता है।